जब मोदी जी मिलते हैं तो सिर्फ हाथ नहीं दिल से मिलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गले लगाना उनकी एक खास पहचान बन गई है। जब भी वो किसी देश के बड़े नेता से मिलते हैं ना, तो वो हाथ मिलाने की बजाय उन्हें गले लगाते हैं। ये तरीका दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गया है, चाहे वो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हो या फिर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की हो। मोदी का ये अंदाज सभी को दिखता है। उनके इस व्यवहार के पीछे भारतीय परंपरा और उनका सरल स्वभाव छिपा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी इसे लेकर खास बातें बताई हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि उनका गले लगाना उनके स्वभाव का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि उन्हें साधारण नियमों की बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है और यही बात उनके लिए फायदेमंद भी साबित हुई है। मोदी ने कहा, मैं नियमों के बारे में ज्यादा नहीं जानता क्योंकि मैं एक आम आदमी हूँ। मेरी यही सादगी दुनिया को पसंद आती है और इससे अच्छे रिश्ते बनते हैं। जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो कई लोगों ने उनसे पूछा कि बिना ज्यादा अनुभव के वो विदेश योजना कैसे संभालेंगे। हालांकि मोदी जी का मानना है कि अनुभव की कमी ने उन्हें खुलकर काम करने का मौका दिया। उनके सरलता भरे स्वभाव ने उन्हें कई देशों के नेताओं से अच्छे और दोस्ताना रिश्ते बनाने में मदद करी। ये एक ऐसा तरीका है जो कि साधारण होने के बावजूद सफाई से बातचीत करने वाला संबंधों को और भी गहरा बनाता है। मोदी जी का गले लगाना केवल विनम्रता नहीं है, बल्कि ये भारतीय संस्कृति का एक हिस्सा है। हमारे देश में जब लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो वे गले लगाते हैं, जिससे कि अपनापन और नजदीकी का एहसास होता है। विदेश मंत्री जयशंकर ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया, हमारे देश में लोग गले मिलते हैं, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। हो सकता है कि दूसरे देशों में ऐसा ना होता हो, लेकिन हमारे लिए ये आम बात है। मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मुलाकात के दौरान पहले हाथ मिलाया और फिर बाद में उन्हें गले लगाया। इससे पहले उन्होंने रूस के राष्ट्रपति पुतिन को भी इसी तरीके से गले लगाया था। जब एक विदेशी पत्रकार ने इस पर सवाल किया तो जयशंकर ने बताया कि यह भारत की परंपरा है और इसे अन्य देशों में अलग नजर से देखा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये गले लगाना उन्हें अन्य नेताओं से अलग बनाता है। जहां दुनिया के कई देशों में नेताओं के बीच दूरी रहती है, वहीं मोदी का ये अपनापन एक खास जुड़ाव दिखाता है। जयशंकर ने कहा कि यह भारतीय संस्कृति की पहचान है और इससे रिश्ते मजबूत होते हैं। मोदी जब किसी नेता को गले लगाते हैं तो यह सिर्फ साधारणता हग नहीं होता है, बल्कि यह दिखाता है कि वो उस व्यक्ति को महत्व देते हैं। यह उनका अपनाया हुआ एक खास तरीका है जिसे दुनिया भर के नेता भी पसंद करते हैं। मोदी जी के इस गले मिलने की आदत पर कभी कभी बुराई भी होती है। कांग्रेस पार्टी ने इस पर मजाक भी किया था, लेकिन मोदी जी ने इसका जवाब सरलता से दिया। उन्होंने कहा कि अगर वो साधारण तरीके से सिखाए हुए होते तो शायद केवल हाथ मिलाते और गले ना मिलते, लेकिन उनकी सरलता ने उन्हें इस तरीके को अपनाने का मौका दिया, जैसे कि अब सभी लोग पसंद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का गले मिलना सिर्फ उनका निजी तरीका नहीं है, बल्कि ये उनके विदेश नीति का भी अहम हिस्सा बन गया है। वो इस तरीके से ये संदेश देते हैं कि भारत अपने रिश्तों में अपनापन और नजदीकी को महत्व देता है। इस सादगी भरे तरीके से कई बार मुश्किल मुद्दों को भी हल करने में मदद मिल जाती है, क्योंकि जब नेता आपस में जुड़ते हैं तो चीजें आसान हो जाती हैं। नियमों से नहीं, दिल से बनाई सफाई से बातचीत करने वालों की राह। प्रधानमंत्री मोदी का गले लगाना सिर्फ एक सादगी भरा तरीका नहीं है, बल्कि यह दिखाता है कि भारत अपने रिश्तों में अपनापन और नजदीकी को सबसे ऊपर रखता है। यह भारतीय संस्कृति की एक गहरी छाप है, जिसने कि दुनिया के कई नेताओं के साथ संबंधों को और भी मजबूत बनाया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। हम हमेशा आपके लिए नई और दिलचस्प जानकारी लाते रहेंगे। क्या आपको प्रधानमंत्री मोदी का गले लगाने का तरीका दिलचस्प लगा है? हमें कमेंट करके बताइए। अगले वीडियो में हम और भी दिलचस्प विषयों पर चर्चा करेंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन के बेल को जरूर दबाइए। आपकी सहायता हमारे लिए बहुत ही मायने रखती है। धन्यवाद।